नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको स्मार्टफोन दिया गया है या फिर टैबलेट दिया गया किसी भी कंपनी को, यानी कि कोई पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड को नहीं बता रहा हूँ, चाहे वो सैमसंग का हो, लावा का हो या फिर एसर का, क्योंकि मेनली तीन ही ब्रांड के यहाँ पर गवर्नमेंट स्मार्टफोन और टैबलेट दे रही है। और आपके मन में एक विचार भी आया था कि ये फोन आखिर आपके लिए कितना सेफ है, क्योंकि हर बंदा प्रेजेंट टाइम में प्राइवेसी को लेकर काफी अवेयर है। तो यहाँ पर आपके मन में ये विचार आता है कि आपके द्वारा जो ये फोन यूज किया जाएगा, क्या उसमें गवर्नमेंट आपके वेब ब्राउजर हिस्ट्री हुई, कॉलिंग हिस्ट्री हुई, वेब आपके फेसबुक की चैट या व्हाट्सएप की चैट, क्या इन चीजों को देख सकती है कि नहीं देख सकती। तो अगर आप इस बात का क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड एक्सप्लेन भी किया, साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई लिखित रूप में, जी हाँ दोस्तों, रिटर्न रूप में उनकी वेबसाइट डीजे शक्ति पोर्टल में भी साफ साफ मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट ट्रैक करेगी, कौन कौन सी नहीं करेगी, और आपके डिवाइस को ट्रैकिंग मोड पर लगाने के पीछे का रीजन क्या है और उसका बेनिफिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वीडियो को अंत तक उस वाला देख लीजिएगा, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट लेकर आ जाता हूँ कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी अगर आप करते हैं अपने इस फोन में, जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको स्मार्टफोन टैबलेट दिया गया, आखिर उसमें आप कौन सी ऐसी गलती करेंगे कि ऑटोमेटिक आपका जो डिवाइस है उसकी कॉलिंग से लेके वेब ब्राउजर हिस्ट्री से लेके ए टू जेड जो भी सिक्योरिटी फीचर है वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे और गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको ट्रैक करेगी, कौन सी गलतियां। तो सबसे पहले तो आपके अगर नॉर्मल फोन भी रहते हैं तो गवर्नमेंट अगर आप कंटिन्यूअस एक दो वीक तक ऐसी एक्टिविटी अपने फोन पर करते हैं तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट आपके नॉर्मल फोन को भी ट्रैकिंग मोड पर लगा देती है। और ये आपका फोन तो जान लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पर्टिकुलर ऐसे कीवर्ड होते हैं, चाहे वो यूट्यूब से वो फिल्टर कराते हो या फिर आपके वेब ब्राउजर जो भी यूज करें, जैसे क्रोम है या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसमें पर्टिकुलर इनकी एक सेटिंग रहती है जिसमें आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स में से, जैसे कि आप कैसे बम बनाने की विधि सीखना चाहते हैं, आप गूगल पे ऐसी चीजें अगर सर्च करते हैं कंटिन्यूअस एक दो हफ्ता, तो नॉर्मल फोन पे भी गवर्नमेंट ट्रैक लगा देती है। ये तो आपका प्रोटेक्टेड फोन है तो अगर ऐसी चीजें आप सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट 101% आपका जो डिवाइस है वो ट्रैकिंग मोड पे लगा देगी। फिर इसके बाद चाहे आपकी कॉलिंग हिस्ट्री हो, वेब ब्राउजर हिस्ट्री हो या फिर आपके फोन की स्टोरेज में जो भी आपने चीजें डाल रखी वो सारी चीजें गवर्नमेंट देख सकती है। साथ ही साथ दूसरी चीज कि कैसे हम ISI को ज्वाइन करें, जैसे कि आप जानते हैं कि ISI एक आतंकवादी संगठन है और अगर आप एज अ क्या कहते हैं इंडियन है और इस तरह की चीजों में ज्वाइन होने की चीजों को सर्च करें तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसी चीजें अगर आप सर्च करते हैं यूपी गवर्नमेंट के फोन में तो 101% आपका जो फोन है इस पे गवर्नमेंट ट्रैक करेगा और आपकी कॉलिंग हिस्ट्री, वेब ब्राउजर हिस्ट्री, ए टू जेड सभी को खंगाल देगा। जी हाँ दोस्तों, सभी को खंगाल देगा। साथ ही साथ ऐसे कंटेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया गया, जैसे एडल्ट कंटेंट आप कुछ भी सर्च करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट ही नहीं, इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट हो आपको जरूर यहां पर ढूंढ कर आप पे कार्रवाई करने वाली है। तो यूपी गवर्नमेंट के फोन को किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज में आप नहीं यूज करेंगे तो आपका जो फोन है कोई भी नहीं ट्रैक करने वाला है, मैं यहाँ पे रिटर्न पे देने वाला हूँ। और लेकिन अगर आप इनमें से जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, जैसे कि कैसे बम बनाते हैं या फिर कैसे लाश को ठिकाने लगाते हैं या फिर कैसे एडल्ट कंटेंट यहाँ पे सर्च करते हैं या फिर आप ISI को कैसे ज्वाइन करते हैं, इस तरह की अगर चीजें आप कुछ भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए कीवर्ड्स जैसे कि हाउ टू मेक बम, तो आपने ये कीवर्ड ऐसे गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से फिल्टर करके ये चीजें दे रखी है, कमांड दे रखी है कंप्यूटर को कि अगर ऐसी चीजें अगर आपका ये फोन सर्च करता है तो ऑटोमेटिक जो ट्रैकिंग मोड है वो एक्टिवेट हो जाने वाला है। तो मेरे कहने का केवल और केवल यही मकसद है कि आपका जो ये फोन है आपको केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से दिया गया है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज से यूज करिए, 101% ये आपके लिए सेफ रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।